ओके सुनील सर, दोस्तों आज सिप्टी मजार के माध्यम से आपको सुनील सर से इतना पूरा फ्री कंटेंट ISO 45001 के लिए उसके लिए जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है उसके रिगार्डिंग में मिल रहा है। सर आज का सेशन का आखिरी और चौथा सवाल है कि आपने पहले बताया था कि ISO 45001 के लिए टोटल 10 क्लॉजेस हैं, तो टोटल सर उसका 10 क्लॉजेस है सर। हाँ तो उसका बेसिक हमको पता चलेगा कि वो क्लॉजेस में क्या क्या लिखा हुआ है और उसके हिसाब से किस तरीके से हमको प्रिपेयर करना है सर। ओके सी हार्दिक, एक्चुअली ISO 45001 तक अगर कोई ऑडिट करता है तो सबसे पहले होता है इंटरनल ऑडिट, राइट हार्दिक? यस यस सर, कैन यू हेयर मी राइट? यस सर, आई कैन हियर यू सर, ओके ऑडिबल ऑडिबल, नो प्रॉब्लम। ओके सो ISO ऑडिट के लिए जो 10 क्लाउजेस है, जो 10 क्लाउजेस में ऑफकोर्स अभी मैं उसके लिए डिस्कस करूंगा, लेकिन जो 10 क्लाउजेस है उससे पहले क्या होता है कि HSC डिपार्टमेंट से की तरफ से पहले इंटरनल ऑडिट होता है जो ट्वाइस इन अ ईयर होता है, मतलब every 6 month में आपको एक बार करना है, मतलब साल में 2 बार इंटरनल ऑडिट करना है आपका। जब भी 2 इंटरनल ऑडिट हो गया आपकी HSC डिपार्टमेंट के हिसाब से, ISO का कह रहा हूँ, उसके बाद आप यू कैन इनवाइट 2 एक्सटर्नल ऑडिट फ्रॉम एज ए DNV, TUV, BSI, whoever. ओके दे आर दे आई मीन देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ एजेंसी इट्स इन द मार्केट, ठीक है? तो आप क्या चेक करोगे अगर आप इंटरनल ऑडिट कर रहे हो, तो आपका वो 10 क्लाउजेस चेक करने हैं, और वही 10 क्लाउजेस आपने जो चेक किया हुआ है उसके बेस पे इंटरनल ऑडिट, आपका जो 10 क्लाउजेस के बेस पे ही आप ऑडिट करोगे, राइट हार्दिक? यस हाँ, तो उसके बेस पे ही एक्सटर्नल ऑडिट आपका एविडेंस चेक करेंगे। वो 10 क्लाउजेस क्या है? सबसे पहले स्कोप, जॉब स्कोप मैंने बताया कि आपका जॉब स्कोप क्या है, वो क्लियरली आपको हर एक जगह पे हर एक डॉक्यूमेंट में मेंशन करना है। कौन से डॉक्यूमेंट में? कोर डॉक्यूमेंट और मैंडेटरी डॉक्यूमेंट में। अगर पॉलिसी बनाते हो, ऑब्जेक्टिव बनाते हो, ये सब कोर डॉक्यूमेंट में आ गया, उसमें आपको जॉब स्कोप आपको क्लियर मेंशन करना है कि आपका ये स्कोप है, आपका कंपनी का ये स्कोप है, राइट? नेक्स्ट दूसरा दूसरा है नॉर्मेटिव रेफरेंस। नॉर्मेटिव रेफरेंस क्या होता है कि आपका जो जॉब स्कोप है आपका, उससे रिलेटेड आपका रेफरेंसेस क्या क्या है एज ए एज पर इंडियन स्टैंडर्ड, ठीक है? ओके वो देखना है। उसके बाद आपको अगर आप ऑडिट कर रहे हो तो उसका टर्म्स एंड डेफिनेशन चेक करना है, वो तो हर एक, वो तो बेसिक है एज ए पार्ट ऑफ सेफ्टी के, टर्म्स एंड डेफिनेशन क्या क्या है। ये 3 डॉक्यूमेंट्स है जो बेसिकली आई थिंक किसी को भी पता होता है, मतलब इंडस्ट्री में अगर आप जाते हो तो ऑलमोस्ट ये 3 चीज तो पता ही होता है कि जॉब स्कोप क्या है, उसका नॉर्मेटिव रेफरेंस क्या क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या क्या है, ये सब। एक्चुअली पार्ट आता है क्लॉज नंबर 4। क्लॉज नंबर 4 में कि आपका कॉन्टेक्स्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कॉन्टेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है कि आपका अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन कॉन्टेक्स्ट, राइट? उसकी एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स क्या क्या है आपके ऑर्गेनाइजेशन की, वो जरूरी है। आपका आपको डिटरमाइन करना है कि आपका एक्चुअली स्कोप और जो स्कोप का HSC मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या है वो आपको चेक करना है, ठीक है? और एक्चुअली आपका OHS मैनेजमेंट सिस्टम क्या क्या है वो आपको चेक करना है, वो क्लॉज नंबर 4 में आता है। अगर मैं उसमें डीपली जाऊंगा तो मुझे पता नहीं, एक हफ्ता लग जाएगा, लेकिन मैं आपको ऊपर ऊपर से मतलब बेसिक डिटेल्स दे रहा हूँ, ठीक है? क्लॉज ओके ओके गुड सर। नंबर 4 है लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेशन। ये एक्चुअली नया हुआ हुआ है, तो मैं एक एक क्वेश्चन था, बहुत सारे लोग बोलते कि डिफरेंसेस क्या क्या है ओसा से, आई थिंक हमारा इनिशियली डिस्कशन हुआ लीडरशिप एंड यस वर्कर यस पार्टिसिपेंट, ये जो है वो नया क्लॉज है जो कि OSAS 18001 में नहीं था। ये क्या है? लीडरशिप तो था जो कि बेसिक डिटेल्स दिया हुआ था OSAS 18001 का, लेकिन वर्कर पार्टिसिपेंट उस OSAS 18001 में नहीं था। तो वो क्या होता है कि लीडरशिप एंड कमिटमेंट, मतलब आपका टॉप मैनेजमेंट जो भी है, मतलब मैं क्लॉज नंबर 5 की बात कर रहा हूँ, लीडरशिप एंड वर्कर पार्टिसिपेंट। लीडरशिप ये है कि आपका टॉप मैनेजमेंट है,
या तो सीनियर मैनेजमेंट है वो सब लीडरशिप है, और उनकी कमिटमेंट क्या क्या है एज अ पार्ट ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी, वो आपको चेक करना है, राइट। लेकिन सिर्फ टॉप मैनेजमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्लॉज नंबर 4 में ये दिया हुआ है कि वर्कर पार्टिसिपेंट, मतलब आपका हेल्थ एंड सेफ्टी की जो जो भी सिस्टम आपने एस्टेब्लिश किया हुआ है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उसमें वर्कर का अवेयरनेस क्या क्या है, वर्क एज अ बीइंग अ वर्कर एम आई फेमिलियर और नॉट, उसका एविडेंस आपको चेक करना है कि उनको अवेयरनेस कितनी है, वो पार्टिसिपेंट एज ए OHS मैनेजमेंट में ले रहे हैं कि नहीं ले रहे, तो वो सब डिटेल्स उसके अंदर आ जाए एज अ पार्ट ऑफ क्लाउज नंबर 5, राइट। राइट, क्लाउज नंबर 6 प्लानिंग, राइट। अभी प्लानिंग क्या है, प्लानिंग ये है कि आपने, आपको पता है कि आपका जॉब स्कोप क्या है, आपका इंडस्ट्रीज का, आपका कंपनी का, तो उसमें रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब आपके अंदर क्या क्या रिस्क है और उससे रिलेटेड आपकी क्या क्या अपॉर्चुनिटी, मतलब मिटिगेशंस है, कंट्रोल मेजर्स है, आपको क्या क्या पॉजिटिव एक्शन लेना है, ये सब अपॉर्चुनिटीज में है। तो वो आपका उसमें जो जो एक्शन आपको लिस्ट आउट करना है, जैसे मैंने बताया कि रिस्क असेसमेंट बनाना है, राइट, प्रोसीजर बनाना है, तो ये सब क्या प्लानिंग है, अपने प्लानिंग मतलब अपने ये प्रोसीजर है, ये प्रोसीजर ऐसा ऐसा करना है, ये करना है, रिस्क असेसमेंट बनाया, रिस्क असेसमेंट में ये रिस्क, ये टास्क है, ये रिस्क है, इसका कंट्रोल मेजर है, ये अरेंजमेंट, मतलब ये आपने पहले से प्लानिंग करके रखा है, राइट। अगर आप आपने क्या प्रोसीजर बनाया हुआ है और रिस्क असेसमेंट बनाया हुआ है, आप क्यों बनाते हो, कैसे बनाते हो, आपने एक प्लानिंग बनाया, अरे ये मेरा एक्टिविटी है तो इसके हिसाब से ये रिस्क होगा, ये कंट्रोल मेजर होगा, इसके लिए ये जिम्मेदार होगा, ये होगा, ये पूरा प्लानिंग हो गया। आप प्रोसीजर बनाते हो कोई एक्टिविटी का, सेफ्टी प्रोसीजर, तो उसमें भी क्या होता है, अरे ये होगा, इसके बाद ये होगा, इसके बाद थर्ड स्टेप ये होगा ये होगा, मतलब फाइनल स्टेप, इनिशियल से लेकर फाइनल स्टेप तक आप एक प्रोसीजर बनाते हो, ये एक तरह का प्लानिंग हो गया आपका, राइट, करेक्ट। तो ये हो गया प्लानिंग, प्लानिंग का एक्शन हो गया, बराबर। और प्लानिंग का अभी आप जो भी प्लानिंग करते हो वो आप ऑब्जेक्टिव में तो लिखोगे कि आप हमारा ये है, हम लोग जो हमारा कोर डॉक्यूमेंट में हम लोग बात कर रहे थे इनिशियली, राइट, करेक्ट। यस यस, ये प्लानिंग, ये जो प्लानिंग है वो क्लाउज नंबर 6 में आता है। क्लाउज नंबर 7 सपोर्ट, सपोर्ट इन द टर्म्स ऑफ HSE, हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरमेंट, सॉरी हेल्थ एंड सेफ्टी, सो नॉट ई, सॉरी वो ISO 14001 में आता है, आई एम सॉरी इट्स माई मिस्टेक। सपोर्ट का मतलब है एज अ टर्म्स ऑफ HNS, हेल्थ एंड सेफ्टी का रिलेटेड जो भी सपोर्ट है, क्या क्या करोगे इसमें, आप कोई सपोर्ट मतलब आप अगर कोई इक्विपमेंट, अरे सॉरी आपका, चलो हाँ इक्विपमेंट हो गया, आपका एम्प्लॉयज हो गया, एम्प्लॉयज मतलब आपका वर्कर हो गया, स्टाफ लेवल का हो गया, उनकी कॉम्पिटिशन क्या क्या है, मतलब उनका लेवल ऑफ वर्क या तो एक्सपीरियंस क्या क्या है, कॉम्पिटेंसी कह रहा हूँ, मतलब उनका जो अगर स्कैफोल्डिंग है तो स्कैफोल्डिंग का कॉम्पिटेंसी क्या है, ये सब छोड़ो, अगर सेफ्टी का भी मैं अगर बोला जाऊँ तो सेफ्टी में अगर सेफ्टी ऑफिसर का कितना कॉम्पिटेंसी है, राइट, तो वो सब चेक करना है, वो एक्चुअली सपोर्ट है, उसके अंदर उनका उनकी फील्ड का, हार्दिक लाइक यू आर HSE ऑफिसर इन वन ऑफ द प्रोजेक्ट, तो अगर मुझे ISO ऑडिटर अगर मैं अगर चेक करूं तो मैं तुमको भी चेक कर सकता हूं कि कैसे कर सकता हूं कि तुम HSE ऑफिसर हो तो तुमको कितना अवेयरनेस है तुम्हारी फील्ड के बारे में, एज ए ISO ऑडिटर आई कैन चेक, आई हैव अ राइट टू आस्क यू एंड आई कैन मेक अ श्योर दैट यू रियली हैव अवेयरनेस ऑफ योर फील्ड, ठीक है। तो अवेयरनेस हो गया, कॉम्पिटेंसी हो गया, उसके बाद कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन क्या होता है कि यू नो वेरी वेल, आई थिंक मोस्ट ऑफ द गाइज हु आर वर्किंग इन द इंडस्ट्रीज दे नो वेरी वेल दैट व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन मतलब इंटरनल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन। इंटरनल कम्युनिकेशन मतलब आपके आपका सब कॉन्ट्रैक्टर आप काम कर रहे हो एज ए कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर, आपका इंटरनल जो टीम है उसमें कैसा कम्युनिकेशन है, वो प्रॉपरली है कि डजंट मैटर कि यू कैन स्पीक इन हिंदी, गुजराती, मराठी और इंग्लिश, व्हाटएवर कंफर्टेबल लैंग्वेज आपकी जो भी है कम्युनिकेशन है वो करना है, वो आपका इंटरनल कम्युनिकेशन हो गया। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन आपका क्लाइंट से हो गया, आपका मेन कॉन्ट्रैक्टर से हो गया, आपका जो भी जिससे भी रिपोर्ट करना है, तो ये एक सपोर्ट हो गया। क्या क्या सपोर्ट में हो गया, आपका कॉम्पिटेंसी चेक करना है,
वर्कर का लेवल चेक करना है, स्टाफ का जो भी एम्प्लॉयज का लेवल चेक करना है, सेकंड है आपका अवेयरनेस चेक करना है, थर्ड है वो कम्युनिकेशन चेक करना है, राइट राइट सर। सबसे खास जो आईएसओ में है वो है आठवें ऑपरेशन। ऑपरेशन में एज ए पार्ट ऑफ एचएससी ऑपरेशन का क्या क्या डिपार्टमेंट, अरे ऑपरेशन का क्या क्या रोल्स है वो चेक करना है। जो क्या हो गया, आपने कोई डॉक्यूमेंट बना दिया, रजिस्ट्रेशन में बनाई थी एज ए पार्ट ऑफ सेफ्टी प्रोसेस बना दिया, या तो कोई एक चेकलिस्ट, कोई नई एक्टिविटी है, आपने नई एक्टिविटी के हिसाब से आपने कोई नया चेकलिस्ट जनरेट कर दिया एज ए पार्ट ऑफ सेफ्टी मैनेजर। आपका राइट, आपका आप सेफ्टी मैनेजर हो, आपको राइट से एक नया सा फॉर्मेट बनाने का सेफ्टी से रिलेटेड, राइट। तो आपने वो बना दिया, तो ऑपरेशन के ऑपरेशनल डिपार्टमेंट कौन कौन है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट में, सुपरवाइजर हो गए, इंजीनियर हो गए, आपके मैनेजर हो गए, मतलब सेफ्टी से रिले सेफ्टी और एचआर से को छोड़ के बाकी जितने भी डिपार्टमेंट है वो ऑलमोस्ट ऑपरेशन में आते हैं, राइट। एचएससी क्वालिटी, एचआर एंड अकाउंट एंड फाइनेंस, ये चार डिपार्टमेंट जो जो ऑपरेशन में नहीं गिना जाता, बाकी सब सिविल है, मैकेनिकल है, जो भी साइट में, ये सब ऑपरेशन में। तो क्लाउज नंबर 8 है वो पर्टिकुलरली उनके लिए है। अगर आप एज ए बींग अ सेफ्टी ऑफिसर अगर आप साइट पे जाते हो, ठीक है, तो आपको क्या चेक करना है, तो ऑपरेशन के हिसाब से कि मैनेजमेंट ऑफ चेंज, राइट, प्रोक्योरमेंट, राइट, हैजार्ड्स एंड जो ओएसएस रिस्क है वो उसको इलिमिनेट क्या क्या करते हैं, ये सब चेक करना है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में। मतलब वो उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो एज अ पार्ट ऑफ आईएसओ ऑडिटर आपको उनको चेक करना है ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कि उन्होंने क्या क्या एमओसी मतलब मैनेजमेंट ऑफ चेंज क्या क्या किया हुआ है, मतलब अपने रिस्क असेसमेंट आपने बनाया हुआ है तो रिस्क असेसमेंट में उनका रोल क्या है ऑपरेशनल डिपार्टमेंट का, राइट। तो वो सब चीज़ है जो उनके उनके वहाँ पे आता है, राइट राइट ओके। क्लाउज नंबर 9 परफॉर्मेंस, हार्दिक। यस सर, यस सर, ऑडिबल, यू आर ऑडिबल सर। ओके, सो क्लाउज नंबर 9 परफॉर्मेंस एवेल्युएशन, आपका जितने भी एम्प्लॉयज है उनको मॉनिटर करना है, उनसे इंटरनल ऑडिट के टाइम पे आपको चेक करना है, और इंटरनल ऑडिट के टाइम परफॉर्मेंस क्या है कि आपको सबसे पहले आपका एम्प्लॉयज का परफॉर्मेंस चेक करना है, राइट। उसके बाद आपका इंटरनल ऑडिट जब भी होगा तो इंटरनल ऑडिट में आपका जो जो भी डिपार्टमेंट है वो डिपार्टमेंट का उनका परफॉर्मेंस क्या है एज अ पार्ट ऑफ एच एन एस वो आपको चेक करना है, राइट हार्दिक, राइट राइट। और उसके बाद परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का क्या है एज अ पार्ट ऑफ 9.3 रिव्यू ऑफ मैनेजमेंट, आई मीन मैनेजमेंट रिव्यू, ये है कि एज अ पार्ट ऑफ परफॉर्मेंस मैनेजमेंट रिव्यू क्या है। मैनेजमेंट रिव्यू मतलब आपका हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड उनका परफॉर्मेंस क्या क्या है जो भी मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट वो आपको देखना है एज अ पार्ट ऑफ आईएसओ ऑडिटर, बराबर बराबर। एक्चुअली हार्दिक ये सब चीजें ना बहुत डिटेल्स में दिखा जाता है लेकिन मैं आपको बेसिक सब ये बता रहा हूँ, राइट 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 क्योंकि इट्स अ लैक ऑफ टाइम कि हम लोग ज्यादा वो नहीं करेंगे, हाउएवर फिर भी क्लाउज नंबर 10 क्लाउज नंबर 10 इम्प्रूवमेंट, राइट। तो क्लाउज इम्प्रूवमेंट मतलब आपने जो जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाए हुए हैं, आपने जो जो भी प्रोसीजर्स या तो एक्टिविटी आपका प्रैक्टिकली चल रहा है वहाँ पे, राइट, तो उसका इम्प्रूवमेंट कैसे करना है, तो वो सब चीज़ आपको, आप जो भी डॉक्यूमेंट बनाओगे इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड वो किस बेस पे बनाओगे, आईएसओ 45001:2008 क्लाउज नंबर 10, राइट। तो भी डॉक्यूमेंट बनाओगे वो डॉक्यूमेंट का इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, इम्प्रूवमेंट में क्या क्या दिखा जाएगा, जैसे मैंने बताया कि ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस, वो ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस रिकॉर्ड क्यों दिखाया जाता है, क्योंकि वो इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, ट्रेनिंग आपने तो दे दिया लेकिन ट्रेनिंग देने के बाद उसका इफेक्टिवनेस हुआ है कि नहीं हुआ, इफेक्टिवनेस क्यों दिखाया जाता है क्योंकि उसके वो इम्प्रूव हुआ है कि नहीं हुआ वो दिखा जाता है, राइट।
तो आप ट्रेनिंग इफेक्टिवनेस रिपोर्ट आप उसको देखोगे तो किस बेस पे देखोगे? क्लाउज नंबर 10 पे देखोगे, राइट? राइट, हाँ। आपने रिस्क असेसमेंट बना दिया, सब कुछ बना दिया, रिस्क असेसमेंट के हिसाब से साइट पे एक्टिविटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, राइट? तो वो इम्प्रूवमेंट हुआ है कि नहीं हुआ, उसका रिपोर्ट आप कैसे किस बेस पे चेक करोगे? क्लाउज नंबर 10 पे चेक करोगे, यस, करेक्ट। और करेक्ट, उसके बाद मान लो कि एक एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ है साइट पे, ना कोई नहीं चाहता कि हुआ, फिर भी मान लो कि इंसिडेंट हो गया, राइट? तो उसके बाद इंसिडेंट होने के बाद आपने करेक्टिव एक्शन क्या क्या लिया, मतलब आप एक इंसिडेंट रिपोर्ट बनाओगे, हार्दिक? यस, इंसिडेंट रिपोर्ट बनाएंगे सर। हाँ, तो इंसिडेंट रिपोर्ट बनाने के बाद आप क्या क्या करेक्टिव एक्शन लोगे? आप करेक्टिव एक्शन क्यों लेते हो? आप इंसिडेंट बनाने के फ्यूचर में होने के बाद आप करेक्टिव एक्शन क्यों लेते हो? फ्यूचर में कुछ इंसिडेंट रिपीट ना हो उसके लिए। मतलब आपने जो एक्टिविटी किया है उसमें जो गलती हुई है, राइट, वो ना हो, एज अ पार्ट इम्प्रूव हुआ, मतलब आप ऐसे करेक्टिव एक्शन लोगे कि उसमें कुछ इम्प्रूव हो ताकि ऐसा ना हो, राइट? यस राइट सर। हाँ, तो वो भी सब आप करेक्टिव एक्शन आप जो भी चेक करोगे वो भी किस में किस बेस पे चेक करोगे? इम्प्रूवमेंट के हिसाब से चेक करोगे। ओके ओके, क्लाउड 10 के हिसाब से। हाँ, मतलब आप जो भी एक्टिविटीज है, आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाया हुआ है, तो उसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट करना है और क्या क्या किया हुआ है वो अगर आप चेक करना है तो किस बेस पे चेक करोगे? तो क्लाउज नंबर 10 के हिसाब से आप इम्प्रूवमेंट चेक करोगे। ओके सर। लेकिन ये क्लाउज नंबर 10 यहाँ पे खत्म नहीं होता है। आपने इम्प्रूवमेंट कर दिया, इम्प्रूवमेंट सही भी है, प्रैक्टिकली आपने साइट पे जाके चेक भी किया कि हाँ जो भी डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है एज ए उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट्स लिखे हुए हैं वो सब कुछ फॉलो हो रहा है, ठीक है, लेकिन उसके बाद वो कंटिन्यूसली होगा कि नहीं होगा फ्यूचर में, वो भी आपको चेक करना है। वो कब चेक करोगे? आप सेकंड ऑडिट में आओगे तभी, बराबर? ओके, मतलब क्लाउज है इम्प्रूवमेंट, इम्प्रूवमेंट मतलब आपका जो भी डॉक्यूमेंट बन रहा है, आपका जो भी इक्विपमेंट हो रहा है, तो उसका डॉक्यूमेंट आपके जो भी इक्विपमेंट है उसमें इम्प्रूव क्या कर सकते हैं, उसका जो भी डॉक्यूमेंट बनेंगे वो आपको किस बेस पे एज आईएएस ऑडिटर आप किस बेस पे चेक करोगे? क्लाउज नंबर 10 इम्प्रूवमेंट के हिसाब से। ओके सर, राइट, आई होप कि मैंने राइट सेटिस्फाइड आंसर दिया है सबको। यस सर, आपने बहुत ही सेटिस्फाई आंसर दे दिया है सर, और फिर से आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद सर, नो इशू, इतना वैल्यूएबल टाइम और वैल्यूएबल नॉलेज इंफॉर्मेशन देने के लिए सुनील सर। कोई बात नहीं आती, कोई बात नहीं, एनी टाइम। एक्चुअली इट्स माय लाइक वन ऑफ आई कैन से ऑनेस्टली इट्स माय वन ऑफ माय फेवरेट सब्जेक्ट टू डिस्कस अबाउट आईएसओ। ओके, आई थिंक ऑनेस्टली आई कैन से इफ यू रियली वांट टू डिस्कस अबाउट आईएसओ I can give you honestly answer from my side because I'm really very happy to give you such kind of guidelines to each and every person, especially for safety professional guys. आपके आंसर से सर बहुत कुछ जानने को मिला, सीखने को मिला, और अपनी नॉलेज भी इंक्रीज हुई, और हम अपने प्लांट में अपनी साइट पे आईएसओ के रिलेटेड जो जो भी काम से वो ये वीडियो के माध्यम से हम अच्छा सर, डॉक्यूमेंट प्रिपरेशन करना है, ट्रेनिंग वगैरह देना है, उसके लिए क्या क्या जो रिक्वायरमेंट है, जो जो भी आपने सर बताया वो हम अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और कभी भी ऐसा कुछ जरूरत आती है आईएसओ 45,000 ऑडिट फेस करने की, तो ये वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल रहेगा सर। तो अगेन सर, थैंक यू सो मच। नो प्रॉब्लम हार्दिक, एनी टाइम यू कैन कॉल मी और यू कैन कीप इन टच विद मी, एनी टाइम, नो प्रॉब्लम। Honestly, I can say I'm glad to discuss with you right now, and I'm very open with ISO awareness right now. So, I'm also a bit happy actually. Okay.